Hello everyone, I'm Usha Bhatia. How are you? I'm fine. Welcome back to my YouTube channel, Usha Bhatia English Literature Study in the Chemistry Study. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सो अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार के होते हैं ओके फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस सेकेंड इज पैसिव वॉइस तो एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हिंदी में कृत वाच्य पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्म वाच्य सब्सटेंस फर्स्ट हम एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल आपको बताते हैं जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे मोहन राइट्स अ लेटर इट मीन्स मोहन एक पत्र लिखता है अब इसका हम पैसे बना देंगे A letter is written by Mohan. So students, जो हमारा active voice होता है इसमें कर्ता मीन्स सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है एक्टिव वॉइस में कर्ता को समानता दी जाती है पैसिव वॉइस इसमें यह विदित होता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाता है पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है एक्टिव वॉइस में 12
tenses होते हैं, परंतु passive voice केवल 8 tenses के वाक्यों की बनाई जा सकती है। So, rule first है, active से passive बनाते समय object को subject और subject को object के स्थान पर ले आते हैं तथा object के पहले प्रायः by लगा देते हैं। एग्जांपल है जैसे एक्टिव वॉइस का द पुलिस मैन हैज गॉट द थीफ। ओके, अब इसका हम पैसिव बना देंगे, द थीफ हैज बीन गॉट बाय द पुलिस मैन। ओके, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले वाक्य में पुलिसमैन सब्जेक्ट है और थीफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में थीफ को सब्जेक्ट तथा पुलिसमैन को by preposition का
ऑब्जेक्ट बना दिया है। रूल टू है, दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाकर उसके पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी एम इज आर वाज वर बी बीन बीइंग द रूप लगा दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब टू बी के रूप, ओके, पैसे बनाने के लिए होते हैं जो, उनको हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।